छोटे प्याज की सब्जी। तो उसके लिए छोटे प्याज ले लेंगे, इसको इस तरह से बीच से कट लगा देंगे। अब यहाँ एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें सरसों का तेल डाल देंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें काला वाला सरसों डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, कलौंजी डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे। अब ये सारे तड़का हमारे अच्छे से पक चुका है, तो इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च के पेस्ट बनाए हैं, इसको भी इसमें डाल देंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस एक मिनट के लिए इसको भून लेना है। अब इसमें हम एक बारीक कटे हुए प्याज को भी डाल देंगे। प्याज को भी ज़्यादा नहीं भूनना है, बस एक मिनट के लिए इसको भी भून लेना है। अब ये एक मिनट हो गया है, तो इसमें हम सारे मसाला डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इन सारे मसाले को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारे जले ना, इसके लिए हम आधी कप पानी डाल देंगे। पानी डाल के मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेना है, यानी कि भून लेना है अच्छे से, जब तक ये अच्छे से तेल ना छोड़ दे। तो ये सारे मसाले अच्छे से तेल छोड़ दिया है, देख सकते ऊपर सारे तेल आ गया इसका। इसमें हम 2 चम्मच करीब टमाटर केचप डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। अब इसमें 2 चम्मच करीब हमने टमाटर केचप डाल दिया है, इसको भी इस तरह से अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं अच्छे से ये मिक्स कर लिया है, सारे मसाला अच्छा से तेल छोड़ दिया है। अब गैस के यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए बंद कर देंगे। यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम गैस बंद कर दिया है। इसमें आधी कटोरी करीब दही डाल देंगे। अब यहाँ पर हम गैस को ऑन कर लेंगे। गैस इसलिए बंद किया ताकि हमारी जो दही है ये फटे ना। अब यहाँ गैस हमने ऑन कर लिया है, ये देख सकते हैं दही फटा नहीं है और कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसको भी तब तक भूनेंगे जब तक हमारे सारे तेल ऊपर ना आ जाए, यानी कि अच्छे से ये दही भुन जाए। जब तक तेल ना छोड़ेगा तब तक इसी तरह से चलाते रहेंगे। अब ये देख सकते हैं ये सारे अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है, सारे तेल ऊपर आ गया इसके। अब इसमें 1 कप हम फिर से पानी डाल देंगे। अब जो हमने प्याज को कट लगाया था, इस प्याज को इसमें सारे को डाल देंगे। सारे प्याज को हमने इसमें डाल दिया, पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डाल के हम इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। अब गैस को कम करके इसको 10 मिनट के लिए हमने ढक के पका लेना है। यहाँ पर हमने ढक्कन से ढक दिया है, इसको 10 मिनट तक गैस कम करके पकने देना है। अब ये 10 मिनट हो गया है, ढक्कन हटा के देख लेते हैं। ये अच्छे से इसमें उबाल आ गया है, ये अच्छे से पक चुका है। इसको पहले मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को, प्याज को। अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे। अब इन सारे चीज़ को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। तो ये हमारी सुपर टेस्टी सुपर यम्मी प्याज की सब्जी बनके तैयार है। ऊपर से हम धनिया के पत्ते डाल देंगे। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको रोटी के साथ, पराठा के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगता है। तो रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा।